नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज 14 भी, देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे हमें एक क्वाड्रिलेटरल एबीसी कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी हमें ये मेजरमेंट दी गई है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक रफ स्केच ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल का एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये हमारा रफ स्केच हो गया इसका, ठीक है, इस तरह से। अब हमें क्या करना है, इसका नॉमेनक्लेचर करना है ए बी सी डी, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल्स ने दिया हुआ है कि ए बी सी डी कंस्ट्रक्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया इसको ए बी सी एंड ये डी। अब हमें क्या करना है, ये मेजरमेंट यहाँ पे फिल कर देनी है। तो ए बी कितना है, 4.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे मैं 4.5 राइट कर देता हूँ। बी सी 3.5, तो ये 3.5। ए डी कितना है, ये है हमारे पास 3 सेंटीमीटर का। ए सी कितना है, ये है 5 का, तो ये डायगोनल है ए सी, ठीक है ना, तो ये 5 सेंटीमीटर का है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5। एंड बी डी है हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर, तो ये वाला जो डायगोनल है ये कितना है, 4.5 सेंटीमीटर का है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इस रफ स्केच की हेल्प से ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये कंस्ट्रक्ट करना है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक डायगोनल को लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोई भी एक डायगोनल ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ये बी डी वाला, ठीक है। ये डायगोनली क्यों लिए, क्योंकि डायगोनल को लेने से जो क्वेश्चन है ना वो आसानी से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं हम इस क्वाड्रिलेटरल को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बी डी ले लेता हूँ 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 4.5 पे पहले इसको फिक्स कर लेता हूँ कंपास, 4.5 सेंटीमीटर पे। तो ये आया मेरा 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है, फिक्स हो गया एकदम ये 4.5 पे। हाँ, अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं 4.5 को। ये मैं ड्रॉ कर लेता हूँ 4.5, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखिए 4.5 सेंटीमीटर यहां तक आ गया ना, 4.5। बी डी किया था मैंने, तो मैं लिख देता हूं बी डी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बी को सेंटर पॉइंट मानते हुए 4.5 सेंटीमीटर रेडियस का एक आर्क लगाना है, ठीक है। पहले मैंने 4.5 लिया था, तो इसकी मेजरमेंट तो हमारे पास उतनी है, मैंने फिक्स किया हुआ इसको पहले से ही, मैं एक बार दिखा देता हूं आपको, ये 4.5 सेंटीमीटर। तो बी को सेंटर पॉइंट मानते हुए यहां पे एक आर्क लगा देंगे ऊपर की तरफ, ठीक है, ये कुछ इस तरह से। अब हमें क्या करना है, डी को सेंटर पॉइंट मानते हुए इसको देखेंगे हम रफ फिगर को, ठीक है। तो डी को सेंटर पॉइंट मानते हुए, ये है ना मेरा बी डी, तो डी को सेंटर पॉइंट मानते हुए 3 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क लगानी है, प्रीवियस आर्क को कट करते हुए, किस पर, पॉइंट ए पर, ठीक है। तो यहां पे ये ले लेते हैं इसका 3 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। तो ये देखो 3 सेंटीमीटर पे फिक्स कर लेते हैं कंपास को, तो ये हो गया फिक्स 3 सेंटीमीटर पे। अब यहां पे क्या कर देते हैं, आर्क लगा देते हैं प्रीवियस आर्क को कट करते हुए। तो प्रीवियस आर्क यहां पे थी, इसको कट किया किस पे, पॉइंट ए पे, यहां पे है ना पॉइंट ए, उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम रफ फिगर के अकॉर्डिंग। अभी क्या करा देते हैं, ए बी और ए डी को ज्वाइन करा देते हैं, ठीक है, किस किस को, ए बी और ए डी को। तो ये आ गया यहां पे, तो इसको ज्वाइन करा दिया मैंने इससे, और यहां पे ए को ज्वाइन करा दिया डी से, ठीक है, ज्वाइन ए बी एंड ए डी। जब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो हम इस तरह से लाइन, इस तरह से लिखेंगे ज्वाइंट ए बी एंड ए डी। अब क्या करते हैं, यहां से बी से, बी को सेंटर पॉइंट मानते हुए हम 3.5 सेंटीमीटर रेडियस का एक आर्क लगाते हैं ये वाले बी से। तो पहले तो 3.5 पे इसको फिक्स कर लेते हैं कंपास को, तो ये यहां पे मैंने 3.5 पे फिक्स कर लिया, ठीक है भाई। अब 3.5 पे फिक्स किया, तो यहां पे हमें क्या करना है, एक आर्क लगानी है, ठीक है। तो मैं यहां पर आर्क लगा देता हूं 3.5 सेंटीमीटर रेडियस की, कुछ इस तरह से, यहाँ पे रॉन्ग हो गया नीचे, तो ये, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए सी डी की मेजरमेंट तो दे नहीं रखी है, तो इसको तो मैं कर नहीं सकता यहाँ से, है ना, डी से तो मेजरमेंट दे ही नहीं रखी, तो फिर हम क्या करेंगे। लेकिन मुझे ना यहाँ पे दे रखी है ए सी की मेजरमेंट, ये डायगोनल जो है ये कितना है, 5 सेंटीमीटर का है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ए को सेंटर पॉइंट मानते हुए 5 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क लगा दूंगा, ठीक है। तो इसको कंपास को फिक्स करते हैं किस पे, 5 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो ये 5 आ गया। अब हमें क्या करना है, ए को सेंटर पॉइंट मानना है ना, और यहाँ पे एक आर्क लगा देनी है, प्रीवियस आर्क को कट करते हुए किस पे, ये करेंगे हम सी पे कट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी, और इसको मीट करा देते हैं बी सी और सी डी को, बी सी और ए सी को कराते हैं पहले, ठीक है ना, क्योंकि हमने यहाँ से आर्क लिया ना, जिन जिन से को सेंटर पॉइंट माना है उन्हीं को लेंगे पहले हम। तो ये यहाँ पर आ गया ए वाला, ए और सी भी ले लेते हैं, ठीक है, ए और सी को मीट करा देते हैं। उसके बाद हमें क्या कराना है, बच गया हमारा क्या, डी और सी, तो हम यहां पे डी और सी को मीट करा देंगे, ठीक है।
स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम किस तरह से लिखेंगे, ज्वाइन बी सी ए सी एंड देन सी डी, ठीक है। तो इसके जो स्टेप्स हैं कंस्ट्रक्शन के वो मैं यहां पे राइट कर लेता हूं, तो मैं यहां पे लिख दूंगा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो देखिए नंबर वन, हमने सबसे पहले क्या किया इसमें, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। अच्छा देखो इसकी ना जो मेजरमेंट है ये हमने राइट नहीं करी, तो ये कितनी कितनी है, ये तो 4.5 सेंटीमीटर थी ऊपर, और ये यहाँ पे 3 सेंटीमीटर थी, और ये यहाँ पे थी ही नहीं, ठीक है ना। इधर कितना था, ये 3.5 सेंटीमीटर, और ये जो डायगोनल था ये कितने का था, 5 सेंटीमीटर का, ये हमारे पास नहीं था। अब यहाँ पे राइट कर देते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रॉ किया बी डी को, बी डी इट इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद नंबर टू पे ले लेते हैं, हमने क्या किया, बी को सेंटर पॉइंट मानते हुए फ्रॉम पॉइंट बी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फ्रॉम पॉइंट बी। देखो हमने क्या किया था, बी को सेंटर पॉइंट मानते हुए 4.5 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क लगाई थी, ठीक है। पॉइंट बी, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर हमने क्या किया, थर्ड पॉइंट पे डी को सेंटर पॉइंट मानते हुए 3 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क लगाई, प्रीवियस आर्क को कट करते हुए पॉइंट ए पर, तो यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम पॉइंट डी, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्टिंग प्रीवियस आर्क एट ए। इसके बाद हमने क्या किया, आर्क डालने के बाद ज्वाइन कराया ए बी और ए डी को, ज्वाइन ए बी एंड ए डी, ये ज्वाइन करा दिए। इसके बाद नंबर फाइव में हमने क्या किया, बी को सेंटर पॉइंट मानते हुए है ना 3.5 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क लगाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम पॉइंट बी ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। सिक्स पे हमने क्या किया, सिक्स पे हमने किया कि यहाँ पे ए को सेंटर पॉइंट मानते हुए हमने 5 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क लगाई, प्रीवियस आर्क को कट करते हुए पॉइंट सी पर, तो यहाँ पे देखिए फ्रॉम पॉइंट ए ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इंटरसेक्टिंग प्रीवियस आर्क एट सी, सी पर ही तो कट किया था हमने इसको। सेवन पे हमने क्या किया, ज्वाइन बी सी एंड ए सी, ठीक है, बी सी एंड ए सी को, आफ्टर दैट ज्वाइन सी डी, ठीक है। तो लिख देंगे दस ए बी सी डी इज अवर रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर टू, तो यहां पे हमें पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है इन गिवन मेजरमेंट्स का यूज करके। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास जब भी आते हैं तो सबसे पहले हम एक रफ स्केच ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे क्वाड्रिलेटरल दिया गया है हमें, तो हम क्वाड्रिलेटरल का एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप किसी भी तरह का एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद हमें क्या करना है, जो ये मेजरमेंट है इनको इस क्वाड्रिलेटरल में फिल कर लेना है। ये क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस है, तो नोमेनक्लेचर कर देंगे पी क्यू आर एस, इसके बाद इन मेजरमेंट्स को फिल करेंगे। तो यहाँ पे क्यू आर है 7 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 7। पी आर ये डायगोनल है 5.5 सेंटीमीटर, पी एस भी 5.5 सेंटीमीटर है, तो पी एस मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है 5.5 सेंटीमीटर, आर एस 4.5 सेंटीमीटर है ये वाला, एंड जो क्यू एस है वो है 9.5 सेंटीमीटर ये वाला डायगोनल, ठीक है, कितना ये 9.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इस रफ स्केच की हेल्प से ये क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस कंस्ट्रक्ट करना है। तो जब भी आपके पास इस तरह का क्वाड्रिलेटरल आए और जिसमें डायगोनल दिए गए हों, तो सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्ट हमें क्या बनाना है, डायगोनल ही ड्रॉ करना है, ठीक है ना, कि जितने भी लेंथ का हो तो इसमें से आप दोनों डायगोनल दिए गए हैं कोई भी एक डायगोनल ले सकते हो। अब ये डायगोनल क्यों लेते हैं, क्योंकि इसकी हेल्प से ना क्वेश्चन हो जाता है बहुत ही ज़्यादा आसान। बाकी आप बाकी जो और साइड्स हैं ना उनका यूज करके भी इस क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, लेकिन डायगोनल से ईजी हो जाता है तो हम वही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्यू एस ले लेता हूँ 9.5 सेंटीमीटर,
तो इसको ले लेते हैं क्यू एस 9.5 सेंटीमीटर, तो इसको ले लेता हूं मैं 9.5, ये यहां पे 9 आया और ये 9.5 रहा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं क्यू एस इट इज इक्वल टू 9.5 सेंटीमीटर, ये लाइन सेगमेंट बनाया हमने। अभी क्या करते हैं, देखो अगर मैं यहां से लेता हूं क्यू को सेंटर पॉइंट मानता हूं, तो ऊपर की तरफ ना मुझे ये साइड नहीं दी हुई, तो इसलिए मैं पहले नीचे की तरफ बना लेता हूं, क्योंकि यहां पे मुझे दोनों साइड दी गई हैं। तो क्यू को सेंटर पॉइंट मानते हुए मैं 7 सेंटीमीटर रेडियस का एक आर्क लगा देता हूं नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहां पे पहले मैं 7 सेंटीमीटर पे इस कंपास को फिक्स कर लेता हूं, तो ये रहा यहां पे 7 और इस पे मैंने इसको कर लिया है फिक्स कुछ इस तरह से, ठीक है। नीचे की तरफ लगाना है मुझे, तो यहां पे क्यू पे मैं इसको कंपास की निडल को रखूंगा और यहां पे एक आर्क लगा दूंगा 7 सेंटीमीटर रेडियस की, ठीक है भाई। इसके बाद मुझे क्या करना है, जो ये एस है इसको सेंटर पॉइंट मानते हुए 4.5 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क लगा देनी है जो प्रीवियस आर्क थी क्यू से, उसको इंटरसेक्ट करते हुए किस पे, आर पे। तो मैं यहां पे ले लेता हूं 4.5 सेंटीमीटर इस कंपास, इसको फिक्स कर लेता हूं, ठीक है ना, कंपास को 4.5 सेंटीमीटर पे ये फिक्स हो गया। इधर से आर्क लगा देते हैं 4.5 सेंटीमीटर की, तो देखो कुछ इस तरह से हो जाएगा ये, ठीक है। प्रीवियस आर को किस पे कट किया, यहां पे आर है तो आर पे कट किया, ठीक है। अब इनको क्या करा देते हैं, मीट करा देते हैं, ज्वाइन करा देते हैं क्यू आर को और आर एस को, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको मीट करा दिया है यहां पे। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्यू से तो देखो ये दी नहीं हुई है, तो यहां पे ना मैं पहले ले लेता हूं एस से, तो एस को सेंटर पॉइंट मानते हुए मैं यहां पे क्या ले लेता हूं, एक 5.5 सेंटीमीटर रेडियस के आर्क लगा देता हूं 5.5 पे। पहले कंपास को फिक्स करते हैं इस तरह से, तो ये 5.5 पे आ गया। अब यहां से एक आर्क लगा देते हैं, ठीक है, इधर कुछ इस तरह से 5.5 सेंटीमीटर की। अब हमें क्या करना है, देखो ये ना जब क्यू पी तो दिया नहीं गया है, तो यहां क्यू से तो मैं लगा नहीं सकता इधर आर्क, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, जो ये पॉइंट है आर, इधर से देखना है आपको, आर से लगा सकते हैं, क्योंकि जो आर पी है या फिर कह सकते हो पी आर, वो 5.5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो मैं यहां आर को सेंटर पॉइंट मान के इससे 5.5 सेंटीमीटर रेडियस के एक आर्क लगाऊंगा प्रीवियस आर्क को कट करते हुए किस पे, पॉइंट पी पे, ठीक है ना। रफ स्केच का आपको बराबर यूज करना है, तो 5.5 सेंटीमीटर पे ये पहले से ही है, तो मैं यहां से लगा देता हूं इसकी आर्क, तो ये देखो कुछ इस तरह से प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट किया इसने किस पॉइंट पे, पॉइंट पी पे। यहां पे पी था रफ स्केच में, तो यहां पे मैं पी लिख दूंगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, पी आर को ज्वाइन करा देते हैं, ज्वाइन करते हैं पी आर और ये वाली पी एस, ठीक है, इसको ज्वाइन करा देते हैं, तो ये देखो ये ज्वाइन हो गई इससे, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, ये साइड हमें कुछ भी नहीं दी गई, तो ये पॉइंट फिक्स है, ये भी फिक्स है, तो मैं इन दोनों को और मीट करा देता हूं, तो ये आ गए दोनों ज्वाइन पी क्यू, किसको ज्वाइन कराया मैंने, पी क्यू को ज्वाइन कराया। अब इनकी मेजरमेंट राइट कर लेते हैं, तो ये तो था हमारे पास 5.5 सेंटीमीटर और ये भी 5.5 सेंटीमीटर है ना, और ये कितना था 7 सेंटीमीटर और ये 4.5 सेंटीमीटर, ये हमें दिया ही नहीं गया है। अब देखिए इसके हमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट करने हैं, जो कि मैंने पहले से लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे हमारे पास इसके स्टेप्स हैं कुछ इस तरह से। तो सबसे पहले हमने क्या किया, क्यू एस ड्रॉ किया, ड्रॉ एस क्यू या क्यू एस कुछ भी कह सकते हो आप, कितने का 9.5 सेंटीमीटर का, फ्रॉम पॉइंट एस ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एस से फिर हमने क्या किया, अब देखो पहले मैंने वैसे ये किया था क्यू से, लेकिन जब तुम कर दोगे तो एग्जामिनर को क्या पता लगेगा कि आपने क्यू से, क्यू को पहले सेंटर पॉइंट माना या फिर एस को सेंटर पॉइंट माना है पहले, ठीक है। फिगर तो कंस्ट्रक्ट हो चुका होगा ना, तो यहां पे क्या करेंगे, फ्रॉम पॉइंट एस ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, एस से 4.5 सेंटीमीटर रेडियस का एक आर्क लगाया, इसके बाद पॉइंट क्यू को सेंटर पॉइंट मान के हमने 7.7 सेंटीमीटर का क्या लगाया, आर्क लगाया इंटरसेक्ट करते हुए प्रीवियस आर्क को किस पे, पॉइंट आर पे। फिर हमने क्या किया, ज्वाइन कराया आर और एस, आर और किसको, आर एस एंड आर क्यू को, ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन कराया। उसके बाद हमने क्या किया, एस को सेंटर पॉइंट मानते हुए एक 5.5 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क ड्रॉ की, ठीक है। यहां से तो किया था हमने, एस को सेंटर पॉइंट मान के 5.5 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क ड्रॉ की। उसके बाद हमने क्या किया, यहां पे आर से एक 5.5 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क ड्रॉ की प्रीवियस आर्क को पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कराते हुए, ठीक है। ये मैंने इतना लिख रखा है यहाँ पे। इसके बाद हमने क्या कराया, ज्वाइन कराया पी आर को,
ठीक है, किसको, एसपी को कराया, आरपी को कराया, एंड देन उसके बाद हमने किसको कराया, पीक्यू को ज्वाइन कराया है। तो हम राइट कर सकते हैं दस एबीसीडी इज ए रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेटर। तो इस तरह से एबीसीडी जो है एक रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेटर हमारा। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो यहां पे हमें एबीसीडी एक कोऑर्डिनेटर कंस्ट्रक्ट करना है इन गिवन मेजरमेंट्स का यूज करके। तो हमारे पास जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक रफ स्केच ड्रॉ करते हैं उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो हम क्या करते हैं, क्वाड्रिलेटरल का रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे रफ स्केच बना लिया है कुछ इस तरह से, ठीक है, ये, और ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये है ए बी सी डी। तो हम यहाँ पे नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं इसका, ए बी सी एन डी। अब यहाँ पे ये जो मेजरमेंट है ये फिल कर देते हैं। तो ये 6.8 सेंटीमीटर है ए बी, ए बी यहाँ पे है 6.8, ए डी कितना 5.8 है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5.8, ए सी कितना है 6.9 है, ए सी यहाँ पे ये डायगोनल है, ठीक है, तो मैं इसको इसके ऊपर ही लिख देता हूँ 6.9, बी डी कितना है 7.3 है, तो ये दूसरा डायगोनल कितना है 7.3 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे बी सी को लिख देते हैं, बी सी कितना है 4.1, तो यहाँ पे ये बी सी है तो ये कितना है 4.1 है। अब इस रफ स्केच का यूज करके हम क्या करेंगे, जो ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है इन गिवन मेजरमेंट से हम क्या कर लेंगे, इसको कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब भी क्वाड्रिलेटरल आता है और उसमें डायगोनल दिए गए होते हैं तो हम सबसे पहले डायगोनल बनाते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करते हैं, डायगोनल जो है उसको ड्रॉ करते हैं, जिससे कि उस फिगर को हम आसानी से क्या कर सकें, कंस्ट्रक्ट कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, ये वाला डायगोनल बी डी। तो बी डी यहाँ पे कितना है 7.3 सेंटीमीटर है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यही ले लेता हूँ, ठीक है। तो बी डी कितना है यहाँ पे 7.3 सेंटीमीटर, तो इधर ले लिया मैंने बी डी 7.3, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और आगे कर देता हूँ, तो ये आ गया 7. यहाँ पे 1, 2 और ये 3, तो बी डी लिख देता हूँ मैं इधर, ये है 7.3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से जो ये है हमारा बी, इसको सेंटर पॉइंट मानते हुए 6.8 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाएंगे, ठीक है, इसकी 6.8 सेंटीमीटर की। तो पहले तो कंपास को 6.8 सेंटीमीटर पे हम क्या कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। तो ये मैंने फिक्स कर लिया है कंपास को 6.8 सेंटीमीटर पे, ठीक है, और 6.8 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है भाई, इधर। इसके बाद क्या करेंगे, डी को सेंटर पॉइंट मानते हुए 5.8 सेंटीमीटर की, देखो यहाँ पे डी है ना, डी को सेंटर पॉइंट मानते हुए 5.8 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क लगाएंगे प्रीवियस आर्क को कट करते हुए पॉइंट ए पर। तो 5.8 पे एक बार फिक्स कर लेते हैं इसको, तो ये यहाँ पे 5.8 आ गया, ठीक है, ये यहाँ पे है 5.8 पे फिक्स कर लिया मैंने इसको कंपास को, और यहाँ पे क्या लगा देते हैं, एक आर्क लगा देते हैं प्रीवियस आर्क को कट करते हुए, ठीक है। तो ये इसकी प्रीवियस आर्क है, इस पर कट किया कितने पे, पॉइंट ए पे, ये पॉइंट है इसका। तो अभी क्या करते हैं, इनको ज्वाइन करा देते हैं ए बी को और ए डी को। तो मैंने यहाँ पे ज्वाइन करा दिया ए बी एंड ए डी को, ठीक है, इस तरह से कुछ यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, बी को सेंटर पॉइंट मानना है, ठीक है, इस फिगर को देखेंगे रफ फिगर को। तो बी को सेंटर पॉइंट मान के 4.1 सेंटीमीटर की आर्क लगा देते हैं, कितने सेंटीमीटर की, 4.1 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क लगाते हैं। तो इस पे पहले तो इसको क्या करते हैं, फिक्स करते हैं कंपास को 4.1 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 4.1, ठीक है, तो इस पे फिक्स कर लेते हैं और यहाँ पे एक आर्क लगा देते हैं 4.1 सेंटीमीटर की। तो ठीक है भाई, यहाँ से बी को सेंटर पॉइंट माना और एक मैंने आर्क लगा दिया 4.1 सेंटीमीटर का, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, रफ फिगर में देखेंगे डी को, अच्छा देखो डी और सी की लेंथ नहीं दी हुई ना, तो इस बार डी को सेंटर पॉइंट नहीं मानेंगे, हम किसको मानेंगे, ए को। तो ए को सेंटर पॉइंट मान कर हम क्या करेंगे, 6.9 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे प्रीवियस आर्क को कट करते हुए। प्रीवियस आर्क कौन सी है, ये है इसको, ठीक है ना, इंटरसेक्ट करेगी ये किस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर। तो 6.9 पे फिक्स करते हैं कंपास को, तो ये 6.9 है, यहाँ पे 6.9 पे फिक्स कर लीजिए, तो ये आ गया 6.9 सेंटीमीटर, ठीक है। किस पॉइंट से लगाना है, पॉइंट ए को सेंटर पॉइंट मानते हुए, ठीक है, तो ये पॉइंट ए है, तो प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करेगा ये, तो प्रीवियस आर्क को इस पे इंटरसेक्ट किया, ठीक है ना, पॉइंट सी पर, यहाँ पे सी है ना इसमें, इधर सी, ए से सी, तो इसलिए मैंने सी लिखा है यहाँ पे। अब इनको ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन बी सी एंड सी डी, ठीक है ना, सी डी नहीं करेंगे, जो हमने अभी लिए पहले उनको करेंगे, ज्वाइन बी सी एंड ए सी। तो ए सी हमारा ये है,
अभी ये पॉइंट फिक्स है और ये भी फिक्स है, तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, सी डी को भी ज्वाइन करा देता हूँ, सी डी। अब हम क्या कर लेते हैं, इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट कर लेते हैं, ठीक है ना, कि हमने किस तरह से इसको कंस्ट्रक्ट किया है, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो अभी देख लेते हैं इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रॉ किया बी डी को 7.3 सेंटीमीटर। अच्छा, इसके ना मेजरमेंट लिख लेते हैं यहाँ पे, तो ये हर बार ही रह जाते हैं। देखो ये यहाँ पे कितना है, 6.8 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये यहाँ पे है 5.8 सेंटीमीटर। बी सी कितना है यहाँ पे, 4.1 सेंटीमीटर, और ये है यहाँ पे 6.9 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये हमें गिवन नहीं है, ये पहले इनका यूज करके फिक्स आ गए थे, इसलिए इसको यहाँ पे इतना ही छोड़ देते हैं और ज्वाइन करा देते हैं। तो इसके बाद मैंने क्या किया, फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है ना, फ्रॉम पॉइंट बी है, बी को सेंटर पॉइंट मानते हुए हमने क्या किया है, 6.8 सेंटीमीटर की रेडियस की एक आर्क लगा दी। फ्रॉम पॉइंट बी ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6.8 सेंटीमीटर। फिर हमने डी से 5.8 सेंटीमीटर की लगा दी यहाँ पे एक आर्क, प्रीवियस आर्क को पॉइंट ए पर कट करते हुए, और फिर इसके बाद ज्वाइन करा दिया हमने ए बी एंड ए डी को, ए बी को और ए डी को ज्वाइन करा दिया। इसके बाद बी को सेंटर पॉइंट मानते हुए हमने 4.1 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाई, ठीक है, 4.1 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ए को सेंटर पॉइंट माना और 6.9 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाई, ठीक है ना, ए को सेंटर पॉइंट मान के 6.9 सेंटीमीटर की आर्क लगाई यहाँ पे, प्रीवियस आर्क को कट करते हुए किस पर, पॉइंट सी पर। उसके बाद हमने क्या किया है, ज्वाइन करा दिया बी को सी से और ए को सी से, ज्वाइन बी सी एंड ए सी, यही है इसमें। और उसके बाद सी और डी को ज्वाइन करा दिया, दस ए बी सी डी इज अवर रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन होगी इसकी। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे हमें ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है इन गिवन मेजरमेंट्स का यूज करके, अगर पॉसिबल है तो, अगर नहीं है तो हमें उसका रीजन देना है कि हम ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्यों कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका एक रफ स्केच बनाते हैं, ठीक है। तो रफ स्केच में क्या करेंगे, हम एक क्वाड्रिलेटरल की फिगर बना लेते हैं, ठीक है, इस तरह से कुछ, और इसका नॉमेनक्लेचर कर देते हैं जो इसमें पूछा गया है ए बी सी डी के बारे में। तो ये ए बी सी एंड डी, अब इसकी जो ये डायमेंशंस हैं इनको यहाँ पे फिल कर लेते हैं। तो ए डी कितना है, ये है 3 सेंटीमीटर, सी डी कितना है, ये सी डी, ये 3 सेंटीमीटर, डी ए देखिए 7.5 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे देखो ए डी और डी ए बात तो एक ही है, या मैं ए डी कहूँ या फिर मैं डी ए कहूँ इसको, जब ये पहले से ही 3 सेंटीमीटर आ गया तो मैं वापस से इसमें 7.5 सेंटीमीटर कैसे लूँगा इसको, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो बस यही रीज़न होगा इसका कि हम यहाँ पे इसको क्या नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि सेम साइड है हमारे पास ए डी और डी ए, इसलिए कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं इसको। तो अब देखो यहाँ पे ना मैं इसको एक बार ले लेता हूँ, बाकी जो है ए सी कितना है यहाँ पे, ये ए सी है यहाँ पे 8, और बी डी कितना है, बी डी है यहाँ पे 4, ठीक है, ए बी इधर दिया ही नहीं गया। तो यहाँ पे देखो ना तो ए बी है और ना हमारे पास क्या है, ये डबल साइड दे दी, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। अब देखो तुम इधर क्या ले लेते हैं, हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, नो इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट दिस क्वाड्रिलेटरल, टू कंस्ट्रक्ट दिस क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, बिकॉज हियर जो ये साइड दी गई, मैं इनको ले लेता हूँ, ए डी इट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड डी ए इट इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, मैं यही तो दूंगा यहाँ पे रीजन, क्योंकि ये दोनों सेम है, ठीक है, बट ए डी एंड डी ए, ए डी एंड डी ए आर सेम साइड्स, आर सेम साइड्स, या फिर कह सकते हैं इन सेम साइड, ठीक है ना, बट ए डी और डी ए ना सेम ही साइड है, इसलिए हम इसको कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। दो बार कैसे लिखेंगे एक ही चीज को।